ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। पानी बहुत कम, पहाड़ों पे सप्लाई कम नगर पालिका की, तो पीछे जब पार्टियां जाती थी तो बाबा हर बार सियाफ करते थे। कभी आप लोग गए होंगे तो एक बरगद का पेड़ देखा होगा बैक साइड में, ढलान से उतर करके, तो वो जो बरगद का पेड़ वहाँ तक बाबा जाते थे, वहीं से रुमाल हिला के सबको विदाई देते थे। और जब तक पार्टी को बाबा दिखता था तब तक बाबा खड़े रहते थे, सब मुड़ मुड़ के बाबा को देखते रहते थे। तो वहाँ एक लॉन है, हाता है, उस हाते में बाउंड्री के अंदर कुआं था, तो मेरी नज़र पड़ गई और कुएं पे बाल्टी डोरी सब कुछ था। तो मैं वहाँ से पानी भर करके एक बाल्टी ले आती थी बाबा के लिए, और रास्ता बड़ा वैसा था, ऊबड़ खाबड़ पथरीला, तो इतना संभाल के लाती थी कि बाबा का पानी छलके नहीं, और अगर छलक के कम हो गया तो दूसरी बाल्टी फिर कुएं से भर के लाती थी रस्सी से। तो ये बाबा के लिए हमने कि हम मना बाबा को कोई कमी ना पड़नी चाहिए पानी की, तो वहाँ से भी समय पर ला के दिया है। तो धीरे धीरे ऐसे बाबा जब नाश्ता करते थे, भोजन करते थे, तो गिट्टी कहते हैं तो बुलाते थे आओ, क्योंकि हमारा और कहीं सारा दिन ठिकाने नहीं, वही कमरा ठिकाना था। तो बाबा मुझे अपने हाथ से कौर जिसको कहते अपने यहाँ ग्रास कहते तो गिट्टी खिला देते थे, तो तीन टाइम मुझे बाबा के हाथ से गिट्टी खाने को मिल जाती थी। तो भगवान के हाथ से खाने को मिल रहा और क्या चाहिए, भगवान खिला रहा है। कभी कभी बाबा खेल पाल भी कर लेते थे, जैसे मैं झुक के झाड़ू लगाती थी तो मेरे बाल बड़े लंबे थे, चोटी थी, तो पकड़ के घोड़ी चल टिक टिक कर देते थे, बना जैसे बाबा का बहुरूपी। और कभी कभी फिर मुझे भी मस्ती चढ़ती थी, तो जब बाबा रात को क्लास करा के लौटते थे तो बाबा के पलंग की चादर नीचे तक लटकती, अभी भी आप ध्यान देंगे, तो मैं पहले से पलंग के नीचे छिप जाती थी। और जब बाबा पैर लटका के बैठते थे तो मैं जरा सी उंगली लगा देती थी, तो बाबा कहे लच्छू देखो चूहिया है क्या, ये बार बार कोई चूहिया मुझे आके टकराती है। तो बाबा का बाबा चूहिया तो इस कमरे में है ही नहीं, कहा नहीं देखो, तो कहा वो बैठी है विद्या आपकी लाडली, बाबा वही ये सब कर रही, उंगली लगा रही है आपको। तो बाबा ने हाथ पकड़ के खींचा, कहा क्यों, तो मैंने कहा बाबा सब पार्टी आती है, आप सबको प्यार से गोद में बिठाते हैं, हम घर में रह जाते हैं, तो कहा सीधा कहती ना ये सब करने का क्या था। फिर बाबा ने बहुत प्यार किया।